अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। यार सब बज रहे रात के 12 और वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ब्लॉग को जो है वो शाम को 7 बजे के बाद शुरू करूँ। शाम को 7 बजे इसलिए भाई कि मैं ऑफिस से आता हूँ और ऑफिस के टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता क्योंकि वो ऑफिस का टाइम भी ऑफिस का टाइम होता है, तो फिर वहां से आके मैं ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ। लेकिन अब ये वीकेंड है तो दिन में भाई कुछ अपने पर्सनल काम थे मैंने वो निपटाया, फिर शाम को भी आके मैं लेटा तो मैं ड्राइंग रूम में लेटे लेटे मैं वहीं सो गया। तो अभी उठाऊ मैं सो गए और नजर व न्यास का सिलसिला जोर शोर से शुरू हो चुका है भाई। और इसी के चलते चलते हमारे घर में भी आ गया है भाई ये शरबत। यार शरबत जो है भाई जब भी कहीं से आता है तो नॉर्मली मैं जो है कहता हूँ भाई मेरे लिए ग्लास निकाल दिया करो। अच्छा अक्सर तुमने देखा होगा भाई लोग शरबत में मेवा जात वगैरह सब डालते हैं, लेकिन मैं फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों मुझे वो शरबत के अंदर जब कहता है लिक्विड है तो उसमें लिक्विड रहना या फिर वो मतलब वो पीने का मजा है, वो पीते पीते खाने का मजा थोड़ी चाहिए होता है। तो भाई इसमें भी शरबत में जो है वो सारे मेवे जात वगैरह थे, तो कभी तुम्हें नजर आ रहा होगा ये बादाम वगैरह कुछ है, तो मैंने जो है भाई बोल दिया भाई मेरे मुझे तो निकाल के अलग से दे दो, तो मैं तो जाके उसको पी लेता हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, भूख बहुत लग रही थी, खाना लग ही रहा था लेकिन मुझे शरबत नजर आया। मैंने कहा पहले मैं शरबत पीऊंगा भाई, ताकि जो है वो एक वो होता है ना यार शरबत बनता है घर में भी नॉर्मली, लेकिन जो नजर न्यास का शरबत जो होता है ना यार उसकी एक अलग ही बात होती है, मोहर्रम का शरबत तो फिर उसके क्या ही कहने। तो खैर चलो शरबत पी लेते हैं पहले, फिर खाना भी खाएंगे। वाकई यार घर में जो शरबत बनता है और नजर न्यास का जो शरबत होता है दोनों के टेस्ट में बहुत फर्क होता है, पता नहीं कुछ है बात इसमें, लेकिन बस बहुत डिफरेंस होता है टेस्ट में। तो मैं जल्दी जल्दी शरबत को पीता हूँ और फिर उसके बाद जो है आप खाना खाने चलते हैं। तो भाई शरबत मैंने पी लिया है और मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था खाने का, खाना लगा क्यों नहीं अभी तक। तो मैं आगे किचन में देखते हैं भाई ऐसा क्या हो रहा है किचन में, खाना नहीं लग रहा अभी तक, तो भाई देखते क्या बन रहा है भाई। ओ तो यार टिक्का बनाया जा रहा है भाई, टिक्का किसके लिए बन रहा है? आपके लिए खाएंगे मैं स्पेशल खाना। मैं नहीं खा रहा टिक्का विक्का, सही बताओ किसके लिए बन रहा है टिक्का? भाई आपके लिए। मैं नहीं खाऊंगा टिक्का भाई, खाने में क्या बनाया आज? कीमा बनाया, मैं कीमा खा लूंगा, टिक्का किसके लिए बन रहा है? बोलो ना आपके लिए बन रहा है। अभी अपनी टिक्का बना रही है तभी इसलिए इतना टाइम लग रहा है, खाने लग रहे हैं अभी जल्दी जल्दी टिक्का बनाओ ताकि मैं जो है फिर खाना खा सकूं। और भाई फाइनली खाना आ गया है भाई, क्या क्या आया है हमारे पास आज की, ये बना है कीमा और रायता। भाई रायता मेरे लिए लाजमी, चाहे इवन सालन भी बनेगा ना आलू गोश्त में मैं रायता डाले खाऊंगा, मेरे लिए रायता जो है ना वो बस लव है, रायता के बगैर मैं खाना नहीं खाता। और ये आ गया भाई हमारी बेगम का टिक्का, साथ रोटियाँ आ गई हैं, जल्दी जल्दी अब खाना खाते हैं और फिर तुम लोगों से मुलाकात करता हूँ मैं, अभी खाना शुरू करते हैं। चलो भाई ये आ गया, चलो भाई ये आ गया, पहला निवाला ले लेते हैं भाई। रायता तो हमने डाला ही नहीं, लो रायता डाले बगैर भाई खाना शुरू कैसे होगा, ये हमने रायता डाल लिया भाई। ये आ गया हमारा पहला निवाला और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं क्योंकि खाते वक्त फिर मैं तुम लोगों से बातें भी नहीं कर पाऊंगा, फिर खाने के बाद मुलाकात करते हैं। तो भाई खाना मैंने खा लिया और मैं आखिरी निवाला ले ही रहा था कि बेगम ने फरमाइश कर दी, क्या फरमाइश कर दी भाई कि उनको जाना है बाहर आउटिंग पर आइसक्रीम खाने के लिए। तुम सबको याद होगा मेरे पिछले व्लॉग में मैंने उनसे पूछा था भाई कि आउटिंग पर जाना है या लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया था। मेरा वो पूछना आज के दिन भारी पड़ गया और उन्होंने बोल दिया भाई जल्दी जल्दी आप खाना खा लें बस और फिर आप फ्रेश हो जाए और फिर आप लोग बाहर चलते हैं। मैंने कहा टाइम तो देखो यार कितना लेट हो गया, मतलब नहीं कोई मसला नहीं है। मैंने कहा लेट नाइट हो गया है कल चले जाते हैं या बाद में चले जाते हैं, उनका नहीं भाई मुझे तो बेसिकली आउटिंग पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आइसक्रीम मिल गई तो अच्छी बात है वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन बेसिकली उनको आउटिंग पे जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई अब क्या करें, फरमाइशें तो पूरी करनी पड़ती हैं। तो देखते भाई जो उनका नसीब भाई अब चलते हैं आउटिंग पे और आइसक्रीम खिला लेंगे, चलते हैं अगर आइसक्रीम मिल गई तो ठीक है वरना बेसिकली आउटिंग तो इनकी हो ही जाएगी। तो सर जल्दी जल्दी मैं फ्रेश हो जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं उनको भी बोलता हूँ आप भी फ्रेश हो जाए और फिर वो निकलते हैं। चलो फिर फ्रेश हो जाते हैं। सो बज रहे हैं 2:30, तो वो पता है यार मेरे घड़ी 20 मिनट आगे, बार बार मुझे बताना पड़ता है। तो सो 2:30 बज रहे हैं और खाने के बाद मैंने उनसे कहा था कि चलो भाई ठीक है आइसक्रीम के लिए जा रहे हैं बाहर, इतना टाइम लगा दिया तैयार होने में कि मतलब कब से तैयार होकर बैठा हूँ, लेकिन इतना टाइम लगा दिया उन्होंने तैयार होने में और घर के काम निपटाने में। बेसिकली असल में तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगा, कुछ घर के भी लोग काम निपटाने थे तो उन्होंने उसमें और तैयार होने में इतना टाइम लगा दिया कि अब 2:30 बजा दिए उन्होंने। अब देखो क्या होता है, खैर वैसे आइसक्रीम तो एक बहाना था, उनको तो बाहर निकलना है अगर से आउटिंग करनी है, देखता भाई आइसक्रीम अगर मिल गई तो ठीक है वरना तो फिर आउटिंग करके तो आ ही जाएंगे। तो बस मैं रेडी हो गया हूँ, वो भी रेडी हो गई है, तो बस अब निकलते हैं। तो फिर देखते हैं कि भाई ना आइसक्रीम मिल भी पाती है या नहीं मिल पाती, चलो फिर चलते हैं। हाँ तो भाई बाहर आ चुके हैं और बस हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, इस पर कपड़ा उतारना है और फिर उसके बाद हम जो है निकलेंगे। तो पहले कपड़ा उतारते हैं गाड़ी का,
फिर से निकलते हैं। तो भाई कपड़ा उतार लिया है गाड़ी का और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। यार बारिश की वजह से जो है ना गाड़ी वीकेंड है, अभी फिर सोचा था मैंने कि भाई गाड़ी जो है साफ करवा लूँ, लेकिन फिर वही मसला, आज फिर बाहर गिर की फॉर हो गई, तो सब यही मसला है भाई। बारिश की वजह से कुछ कह नहीं सकते, तो बस अब जो है जब तक बारिश होती नहीं तब तक गाड़ी ऐसी गंदी रहेगी, तब तक बस वैसे यूज़ करेंगे। चलो फिर निकलते हैं। मेरे बीवी को खड्डा हो रहा है, चलेगा पीछे? आपने बोला तेज चलाओ तो मैं तेज चला रहा था। पीछे चलो कोई बात नहीं, ये तो रोज के होते हैं मियां बीवी के। और भाई मुबारक हो, आपका मेहरान आइसक्रीम खुला हुआ है और यहाँ पे आइसक्रीम तो मिल ही जाएगी। खैर लेकिन अभी आप लिमका का बोल रही थी, तो लिमका चाहिए आइसक्रीम खानी है? यार आपको जो सही लगे। यार कुछ पीने का ही दिल चाह रहा है मेरा भी। मेरा भी आइसक्रीम तो है भी घर में है। यार बात सही कह रही हो, काम करते हैं लिम्का पी लेते हैं। चलो फिर काम करते हैं कि आइसक्रीम छोड़ो, घर आके खा लेंगे आइसक्रीम, लिम्का पी लेते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से शायद नहीं है, काम करते हैं 5 स्टार चलते हैं, बाकी फूड स्ट्रीट पर ट्राई मारते हैं, अगर लिम्का मिल गया तो ठीक है। अच्छा मुझे पता आपने क्यों बोला लिम्का का, लंबी आउटिंग हो जा रहा था कि आपकी? सही है भाई, सही है। चलो गाड़ी घुमा लेते हैं यहाँ से और फिर उसके बाद 5 स्टार चलते हैं। ओके बस वाला बात है, जितना पेट्रोल जाया होगा इसके पीछे तो बस डांट अब्बू से मुझे ही पड़ेगी, बेटा कहाँ लेके गया था रातों गाड़ी, तो अब्बू को तो पता नहीं है। एक तो आपको पेट्रोल की पहले फिक्र हो जाती है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलती ही नहीं है ना, ये भी तो मसला है। पानी डाल लें। और भाई फाइनली सोडा वोडा पहुँच गए हम लोग। चलो मैं फिर काम करता हूँ, गाड़ी में आज करके लगा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? फिर मैं अपने जाके ऑर्डर देके आता हूँ, उसको बुला लेता हूँ और फिर हम लोग सोडा पी लेते हैं, ठीक है? हाँ तो भाई यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, अगर मेन्यू वगैरह चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? चलो भाई ये इनका मेन्यू है, ये हमारा फिक्स ही होता है नॉर्मली, हम वही कर लेंगे भाई। ब्लू लगून कर दे यार, और लार्ज लार्ज लार्ज, और दूसरा हमने कौन सा बोला था? लेमन एंजल। चलो बस इस तरह कर दो उसको भाई, ये बन गया है हमारा ये सोडा। चलो बस गाड़ी में लेके चलते हैं और फिर अब मैं तो कहाँ से कैमरा पकड़ा हूँ, तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। चलो भाई लिम्का हमारा बन गया है, गाड़ी में चलते हैं और फिर उसके बाद लिम्का पीते हैं। आ जाओ यार, इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है और हाथ में पकड़ के था ना उसका मज़ा आ रहा है ना, चिल्ड बिल्कुल भाई। ये आ गया भाई आपका ब्लू लगून, और मेरा वो गाड़ी में लेके आ रहा है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ पीछे, और ये मेरा ये पकड़ने जा रहा है, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ फिर लेता हूँ। ये क्यों नहीं पी रहा? ये पी नहीं रहा, बैठो भाई गाड़ी में बैठो। ये आ गया भाई हमारा ये लेमन एंजल, उसको ट्राई करते हैं और फिर उसको बताते हैं भाई अच्छा बनाया या नहीं बनाया। वाकई यार मज़ा आ गया पी के भाई, बोलो ट्राई कराओ मुझे, ब्लू लगून ट्राई करो। मुझे भी ये लेना चाहिए था, ओ भाई वो तो उससे तो अच्छा ही है। चलो कोई मसला यार, अब वहां का टेस्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो भाई लेमन फ्लेवर अब मेरे हाथ में आ गया, हालांकि मुझे ब्लू लगून ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब खैर अब जो आ गया वो आ गया, पीना पड़ेगा। तो हम लिम्का एंजॉय करते हैं, तो उसके बाद तुमसे मुलाकात करता हूँ। और भाई सोडा पीने के बाद जो दिल को सुकून मिला है ना, कि बस इस गर्मी में भाई सोडे के, और भाई सोडा पीने के बाद वाकई यार सुकून मिल गया। जो गर्मी हो रही थी तो लाइट ने बड़ा परेशान किया हुआ है, रात के 3 बजे भी लाइट जा रही है जगहों पे यार, तो बस अब सोडा पी के सुकून मिल गया। आपको सुकून मिला भाई? नहीं मिला जी भाई, बहुत मजे का भी था, हमसे टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था भाई। क्या नाम है इसका? सोडा वोडा भाई, बफर जोन में इनकी शॉप है सोडा वोडा के नाम से, हारून मार्केट से पहले जो भाई ये अलवी बैंक आता है, उसके बाद जो रोड अंदर जा रहा है आपका वहीं पे आता है थोड़ा सा आगे जाके सोडा वोडा के नाम से। तो भाई जिसको पीना हो सोडा यहाँ पे आके सोडा पिया, टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बफर जोन में भाई एक मशहूर शॉप है टिक्के वाले की, अल्ताफ टिक्के के नाम से, उसके बराबर में ही शॉप है सोडा वोडा, टेस्ट बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यहाँ आके सोडा पिए भाई आप लोग। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने जो है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दूँ भाई कि यहाँ के सोडा पिए, और
उस स्टूडियो को एंजॉय करें, क्योंकि इस गर्मी में सोडा मिल जाए वो भी ठंडा चिल्ड, तो वाकई यार दिल को सुकून मिल जाता। तो बस अब हमने भी सोडा पी लिया, बस हम भी अब निकलते हैं। और यहाँ की जो लाइट गई हुई है, अब पता नहीं हमारी लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कुछ पता नहीं होगी। अबे यार रोज जा रही है हमारी लड़का भी मसला हो गया कि रात को 3 बजे लाइट चली जाती है, कुछ पता नहीं कभी जाती कभी नहीं जाती। अब कल तो गई थी, आज कुछ कह नहीं सकते कि मुहर्रम का टाइम चल रहा है। लो भाई हमारी भी लाइट गई भी होगी। अब तो काम करते हैं, थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं जरा, ताकि थोड़ी हवा भी खा ले, तब तक शायद हो सकता है लाइट आ जाए। तो बस फिर चलो निकलते हैं। कहाँ से दिलवाऊं आपको, दिलवाऊंगा भी टाइम अभी क्या, आज डेट क्या, लेकिन यार मुहर्रम है ना, ये भी तो बात है ना। और भाई फाइनली घर आ चुके हैं, तो सब गाड़ी पार्क करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। और लाइट गई भी है, जनरेटर चलाना ही पड़ेगा। चलो अल्लाह मालिक है यार। और भाई जैसे हम गाड़ी से निकले और लाइट आ गई, तो भाई देख लो आप, जैसे हम लोग पहुंचे और लाइट आ गई है, देख रही हैं आप जी, माशाल्लाह मेरा नसीब। अच्छा तो हम जो आए साथ, हमारा नसीब नहीं आया। तो बस देख लो भाई, जैसे हम लोग पहुंचे माशाल्लाह लाइट आ गई है। तो बस अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको गेट खोल देता हूँ, आप ऊपर जाओ, मैं गाड़ी पर कपड़ा चढ़ा के आ रहा हूँ। ठीक है चलो भाई, इनको गेट खोल देते हैं और उसके बाद गाड़ी पर कपड़ा चढ़ाते हैं और फिर जो है ऊपर चलते हैं। फाइनली रूम आ गए, सॉन्ग लिया था आपने। वाकई यार हो रही है, इनका शुक्र है एक लाइट आ रही है टाइम पे, आते ही और ए सी ऑन हो गया। ना वाकई मैं बातें करूँ। वहाँ पर फाइनली रूम में हम लोग आ चुके हैं। और अरे आपको पता सीन क्या हुआ, भी नीचे गाड़ी पे मैं कपड़ा चढ़ा रहा था और पता नहीं शायद कपड़ा कहीं अटक गया होगा चढ़ाते में, तो चट करके आवाज़ आई, मैं डर गया कि कपड़ा फट गया। डर गया जाहिर सी बात है ना यार, एक मिनट अब्बू से डर नहीं लगता साहब, अब्बू की डांट से डर लगता है। अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। खैर वो डांट तो पड़ती रहती है, मैं कुछ ना भी करूँ तो भी डांट पड़ जाती है मुझे, तो वो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो डांट सुबह ही डांट से होती है और दिन का एंड भी डांट भी होता है, तो वो उतना बड़ा मसला नहीं है। खैर भाई फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और सोडा वगैरह भी पी लिया है, खाना वगैरह भी खा लिया। अब लास्ट जो है वो पता है कि गए तो हम आइसक्रीम खाने थे और मैं सोडा पी लिया, तो आइसक्रीम भी बाकी है, आइसक्रीम भी तो खाएंगे। नहीं भाई थोड़ा अभी तो, जब तो 4 ही तो बजे तो भाई फौरन तो सोना नहीं है भाई, अभी तो जरा बैठे हुई बात। तो भैया थोड़ी बातें बातें करेंगे, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे और फिर उसके बाद ही सोएंगे। तो इस व्लॉग को ये एंड करते हैं भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो शेयर करो, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक के बटन को दबा दबा के नीला कर दो, सब्सक्राइब के बटन को दबा दबा के लाल कर दो, थोड़ा ठोक ठोक के लाल कर दो उसको भाई। खैर अब जाते जाते मेरी पिछली वीडियोज़ भी देखते हुए जाना, मिलते फिर अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।